Hello students, so let's start the instrumentation in which we will see the क्लिस्ट्रॉन. Now क्लिस्ट्रॉन ट्यूब एक्ट्स एज द सोर्स ऑफ द रेडिएशन. ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि क्लिस्ट्रॉन जो रहता है वो रेडिएशन का सोर्स प्रोवाइड करता है, मतलब एक सोर्स है जहाँ से हमें माइक्रोवेव रेडिएशन जो हमें यूज करने हैं, जो हमें मिलते हैं, वो हमें किससे मिलते हैं, हमें क्लिस्ट्रॉन से मिलते हैं. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइज टू क्लिस्ट्रॉन. देखो, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की जो फ्रिक्वेंसी है वो इज डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज अप्लाइड टू दिस क्लिस्ट्रॉन. वो जो फ्रिक्वेंसी है रेडिएशन की वो डिटरमाइंड बाय द वोल्टेज, जो वोल्टेज अप्लाइड करते हैं क्लिस्ट्रॉन के ऊपर उससे हमें उसकी फ्रिक्वेंसी का पता चलता है. किसकी? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की. वो हम डिटरमाइन करते हैं किसके? विद द हेल्प ऑफ द क्लिस्ट्रॉन. इट इज केप्ट एट अ फिक्स फ्रिक्वेंसी बाय एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट एंड प्रोवाइड्स अ पावर आउटपुट ऑफ अबाउट 300 मिली वाट्स. ओके, इट इज केप्ट एट अ फिक्स फ्रिक्वेंसी. वो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी रहती है और उसका बाय एन ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट, उसमें एक ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट यूनिट रहता है एंड प्रोवाइड्स द पावर आउटपुट अबाउट, और उसमें एक पावर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं उसका, वो जनरली 300 मिली वैट्स का होता है. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट अबाउट द क्लिस्ट्रॉन. नाउ सेकंड, दैट इज द वेव गाइड और द वेव मीटर. हियर वेव गाइड और द वेव मीटर इज अटैच. ओके, नाउ द वेव गाइड और द वेव मीटर, लेट अस सी अबाउट द वेव गाइड और द वेव मीटर. ओके, द वेव मीटर इज पुट इन बिटवीन द ऑसिलेटर एंड एटेन्यूएटर. ऑसिलेटर और एटेन्यूएटर के बीच में हम वेव गाइड को रखते हैं. द वेव मीटर इज यूजुअली कैलिब्रेटेड इन फ्रिक्वेंसी यूनिट, दैट इज मेगाहर्ट्ज इंस्टेड ऑफ द वेवलेंथ. ये कैलिब्रेटेड फ्रिक्वेंसी यूनिट जनरली मेगाहर्ट्ज रहती है वेवलेंथ की जगह पे. ओके, नाउ द वेव गाइड इज अ हॉलो रेक्टेंगुलर ब्रास ट्यूब. ये एक हॉलो रेक्टेंगुलर ब्रास यूनिट रहता है. ठीक है, वेवगाइड एक ट्यूब रहता है. वेव मीटर और वेव गाइड एक रेक्टेंगुलर और एक हॉलो ब्रास ट्यूब रहती है. इट इज यूज टू कन्वे द वेव रेडिएशन टू द सैंपल एंड क्रिस्टल. ये जो यहाँ से रहता है, यहाँ पे रहता है, वो जनरली वो क्या करता है, एक तो क्रिस्टल की आगे या यहाँ पे सैंपल की तरफ वो क्या करते हैं, वेव रेडिएशन पास करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट, दैट इज द एटेन्यूएटर. एटेन्यूएटर इज नथिंग बट द पावर प्रोपोगेटेड डाउन द वेव गाइड मे बी कंटिन्यूसली डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग अ पीस ऑफ रेजिस्टिव मटेरियल टू द वेव गाइड. ओके, एटेन्यूएटर क्या करता है, एक पावर प्रोपोगेटेड करता है. जो पावर है जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है पीस ऑफ द रेजिस्टिव मटेरियल इन टू द वेव गाइड, वेव गाइड में वो कम ज्यादा करने का काम करता है. दिस पीस इज कॉल्ड एज द वेरिएबल एटेन्यूएटर. और उस पीस में क्या, उस पीस को हम क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल एटेन्यूएटर करते हैं, कह सकते हैं. इट इज यूज्ड इन वेरिंग द पावर ऑफ द सैंपल फ्रॉम द फुल पावर ऑफ द क्लास्ट्रॉन टू वन एटेन्यूएटेड बाय द फोर्स 100 और द मोर. इट इज, देखो ये क्या है, इट इज यूज्ड इन वेरिंग द पावर ऑफ द सैंपल फ्रॉम द फुल पावर क्लास्ट्रॉन टू एटेन्यूएटेड बाय द फोर्स. एक तो ये क्या करता है, एक पावर सप्लाई करता है फुल पावर में क्लास्ट्रॉन टू वन एटेन्यूएटेड बाय द फोर्स से, जहाँ पे 100 से ज्यादा वो क्या करता है, फोर्स पावर अप्लाई करता है. नाउ लेट्स सी द आइसोलेटर्स. नाउ इट्स डिवाइस विच मिनिमाइजेस द वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव प्रोड्यूस्ड बाय द क्लास्ट्रॉन ऑसिलेटर. देखो, आइसोलेटर का काम क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस रहता है जो क्या करता है, मिनिमाइजेस द वाइब्रेशन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव्स. माइक्रोवेव्स में जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मिनिमाइज करने का काम करता है. और वो फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, क्लिस्ट्रॉन. मतलब जो फ्रीक्वेंसी क्लिस्ट्रॉन ऑसिलेटर प्रोड्यूस करता है उस फ्रीक्वेंसी को उस माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को मिनिमाइज करने का काम ये डिवाइस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटर्स बोलते हैं. इट इज यूज टू प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव पावर बैक इनटू द रेडिएशन सोर्स. वैसे ही वो क्या करेगा, वो प्रिवेंट करेगा रिफ्लेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव पावर बैक इनटू द रेडिएशन सोर्स. जो रिफ्लेक्शन रेडिएशन सोर्स के, देखो
रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव पावर जो यूज टू प्रिवेंट द जो रिफ्लेक्शन ऑफ द माइक्रोवेव पावर बैक इनटू द रेडिएशन सोर्स, जो रेडिएशन सोर्स की तरफ जो जो रिफ्लेक्शन आ रहा है किसका, माइक्रोवेव पावर का, उसको प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इंसुलेटर। मतलब ये क्या करता है, आइसोलेटर वो आइसोलेट करता है, मतलब वो प्रिवेंट करता है रेडिएशन से। ओके, इट इज द स्ट्रिप ऑफ फर्टाइल फेरिट मटेरियल विच अलाउज माइक्रोवेव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ऐसी स्ट्रिप रहती है फेरिट मटेरियल की विच अलाउज माइक्रोवेव्स इन द वन डायरेक्शन, और उसमें जो माइक्रोवेव रेडिएशन रहते हैं वो एक ही डायरेक्शन जाने के लिए वो यूज करता है। इट इज ऑल्सो स्टेबिलाइज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लाइस्ट्रॉन, और वैसे ही वो फ्रिक्वेंसी जो क्लाइस्ट्रॉन से जो फ्रिक्वेंसी जो रेस की जो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव्स जो रहते हैं उसकी जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसको स्टेबिलाइज करने का काम करता है आइसोलेटर्स। ये आइसोलेशन का काम करता है इनडायरेक्टली, मीडिया से इट इज यूज फॉर द आइसोलेशन। नाउ नेक्स्ट दैट इज द सैंपल कैविटी। सैंपल कैविटी देखो, ये जो रहता है वो हार्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर, वो हार्ट रहता है, ठीक है, क्योंकि जो सैंपल हमें जिसका स्पेक्ट्रा निकालना है वो सैंपल हम इस सैंपल कैविटी में रखते हैं। देखो ये डायग्राम में देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बताया था दिस इज व्हाट द सैंपल कैविटी। ये सैंपल कैविटी नहीं रहेंगे तो इतना पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन करने का कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम जहाँ पे सैंपल नहीं रख पाएंगे। ओके, सो द सैंपल कैविटी इज नथिंग बट इट इज द हार्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर। इट इज द रेजोनेंट कैविटी कंटेनिंग द सैंपल। उसमें एक रेजोनेंट कैविटी रहती है, उसमें हम क्या डालते हैं, उसमें हम सैंपल डालते हैं। द सैंपल इज ऑब्टेन इन अ रेजोनेंस कैविटी, और सैंपल इज कंटेन इन अ रेजोनेंस कैविटी। वो सैंपल हम रेजोनेंस कैविटी में रखते हैं। द रेक्टेंगुलर TE 120 कैविटी एंड सिलेंड्रिकल TE 011 कैविटी हैव वाइडली यूज। ये दो प्रकार की जो कैविटी जो रहती है सैंपल कैविटी, ये जनरली एक तो रेक्टेंगुलर रहती है और सिलेंड्रिकल रहती है। जो रेक्टेंगुलर रहती है वो TE 120 कैविटी उसे बोलते हैं, और जो सिलेंड्रिकल रहती है उसे TE 011 कैविटी कहते हैं। ये जनरली यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में। इन मोस्ट ऑफ द ESR स्पेक्ट्रोमीटर डुअल सैंपल कैविटी आर जनरली यूज। जो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी रहती है उसमें ड्यूअल मतलब दो सैंपल कैविटीज आर जनरली यूज किए जाते हैं। दिस इज डन फॉर द साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस। मतलब देखो, जो हम रेफरेंस रखते हैं, मैंने बताया था आपको कौन सा रेफरेंस हम यूज करने वाले हैं, यहाँ पे DPPH दैट इज डाइफिनिल पिक्रिल हाइड्राजेन, ये हम रेफरेंस करके रखेंगे। और एक क्या रखेंगे, सैंपल रहेंगे जिसका जो हमें स्पेक्ट्रा चाहिए जो फाइंड आउट करना है वो, मतलब एक रेफरेंस रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, सैंपल। मतलब दो ट्यूब हम रखेंगे सैंपल कैविटी हम रखेंगे, ठीक है। नाउ सिंस मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विद द सैंपल टू कॉज स्पिन रेजोनेंस द सैंपल इज प्लेस्ड वेयर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। मतलब देखो, हम क्या करेंगे, दो ट्यूब रखेंगे और जहाँ पे क्या रहेंगे, सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहाँ पे ज्यादा आएंगे, ज्यादा इंटेंसिटी इज ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, जहाँ पे ग्रेटेस्ट सैंपल इज प्लेस्ड वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट। मतलब जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगे उस जगह पे उसका क्या रहेगा, हम वहां पे रखेंगे उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दैट इज द क्रिस्टल डिटेक्टर। सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर विच कन्वर्ट द रेडिएशन इन DC हैज वाइडली यूज्ड डिटेक्टर ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन। देखो, एक जनरली यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको, ये क्रिस्टल डिटेक्टर, ओके, दिस इज व्हाट द क्रिस्टल डिटेक्टर, एंड दिस क्रिस्टल डिटेक्टर इज मेड ऑफ जनरली सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर, और वी कैन से दिस इज द सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर विच कन्वर्ट्स रेडिएशन इन DC हैज वाइडली यूज्ड इन द डिटेक्टर ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन। जो रेडिएशन को DC डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे डिटेक्टर ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन पे, ओके, इसलिए उसको क्या बोला है, क्रिस्टल डिटेक्टर। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द मैग्नेट सिस्टम। मैंने बताया आपको वहाँ पे दो मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट रहते हैं, उसमें क्या रहता है, नॉर्थ और साउथ पोल, मैंने आपको अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में बताया था पिक्चर में। देखो, द रेजोनेंट कैविटी इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल्स पीसेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो रेजोनेंस कैविटी रहती है ये दो मैग्नेट के बीच में रखते हैं,
देखो ये मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इसके बीच में क्या रहते हैं अपनी सैंपल कैविटी रहती है, ठीक है। नाउ देखो द फील्ड शुड बी स्टेबल एंड यूनिफॉर्म ओवर द सैंपल वॉल्यूम। जो फील्ड रहती है स्टेबल रहती है, यूनिफॉर्म रहती है ओवर द सैंपल वॉल्यूम में। द स्टेबिलिटी ऑफ द फील्ड इज अचीव्ड बाय एनर्जाइजिंग द मैग्नेट विद द हाईली रेगुलेटेड पावर सप्लाई। जो स्टेबिलिटी ऑफ द फील्ड इज अचीव्ड बाय एनर्जाइजिंग द मैग्नेट, मतलब जो स्टेबिलिटी रहती है फील्ड की, वो किससे हम स्टेबल करते हैं फील्ड को, जो मैग्नेट में जो पावर सप्लाई कर रहे हैं उसका यूज करके, ओके। एंड द ईएसआर स्पेक्ट्रम इज रिकॉर्डेड बाय द स्लोली वेरिंग द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द रेजोनेंस कंडेंस्ड बाय द स्वीपिंग द करंट सप्लाई टू द मैग्नेट बाय द पावर सप्लाई। मतलब पावर सप्लाई करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रो मैग्नेट, वहाँ से इलेक्ट्रो माइक्रोवेव रेडिएशन पास होंगे, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाएंगे, फिर वहाँ पे क्या होगा वो रेजोनेंस कंडेंस्ड होगा और क्या हो मिलेगा, फिर हमें रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है, रिकॉर्ड में हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा। नाउ द डिस्प्ले डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू एडजस्ट द स्पेक्ट्रोमीटर एंड ऑब्जर्व द सिग्नल्स द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हैज बीन एम्प्लॉयड, अ स्ट्रिप चार्ट और अ एक्स वाई रिकॉर्डर इट इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द सिग्नल्स। देखो डिस्प्ले यूनिट्स में क्या करेंगे, जनरली हम बोलेंगे वहाँ पे डिस्प्ले होगा किसका, स्पेक्ट्रा का, तो वो क्या करेंगे ऑब्जर्व द सिग्नल्स, वो क्या करेंगे जो भी कुछ सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ भी जो सिग्नल्स जैसे मिलते हैं वो सिग्नल्स देने का काम डिवाइसेस वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अ स्ट्रिप चार्ट और एक्स वाई रिकॉर्डर इज यूज फॉर द रिकॉर्डिंग सिग्नल्स। एक स्ट्रिप चार्ट रहता है और एक्स वाई रिकॉर्डर रहता है जिसका यूज करके जनरली रिकॉर्डिंग की जाती है किसकी, सिग्नल्स की। ईपीआर स्पेक्ट्रा आर यूजुअली डिस्प्ले इन डेरिवेटिव फॉर्म टू इम्प्रूव द सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ईपीआर स्पेक्ट्रा जो रहता है उसमें यूजुअली डिस्प्ले इन डेरिवेटिव फॉर्म टू इम्प्रूव द सिग्नल, मतलब ईपीआर स्पेक्ट्रा आर जनरली यूजुअली डिस्प्ले इन डेरिवेटिव में डिस्प्ले करते हैं यदि सिग्नल टू नॉइस रेशियो हमें फाइंड आउट करना इम्प्रूव करना है तो हम ईपीआर स्पेक्ट्रा जनरली यूज करते हैं। दिस इज नाउ व्हाट द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके दिस इज वेरी सिंपल एंड दिस इज आस्क इन एग्जामिनेशन फॉर 8 मार्क्स, सो इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। नाउ लेट्स सी द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, इट इज आल्सो वन ऑफ द मेनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो मैंने आपको प्रिंसिपल में बताया था उसका ही यूज करके यहाँ पे देखना है। द ईएसआर सिग्नल्स इज ड्यू टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सिग्नल्स क्यों मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होने की वजह से मिलते हैं फ्रॉम द स्पिन स्टेट। एक तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स वो रहते हैं वो क्या करेंगे, एक तो पैरेलल स्पिन में रहेंगे या एंटी पैरेलल स्पिन में रहेंगे। इन स्पिन स्टेट ms इज इक्वल टू, जब ms वैल्यू माइनस हाफ रहेंगी द स्पिन स्टेट दैट इज द प्लस हाफ द स्पिन फ्लिप। ओके एक तो जब सिग्नल्स देंगे वो क्या करेंगे, एक तो स्पिन स्टेट में कैसे रहेंगे, माइनस हाफ रहेंगे और क्या रहेगा पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या पैरेलल में क्या देंगे, पैरेलल में देंगे माइनस हाफ और एंटी पैरेलल में देंगे प्लस हाफ। ओके नाउ दिस स्पिन स्टेट में बी इंटरैक्ट विद द मैग्नेटिक मोमेंट, अब ये क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, जब स्पिनिंग होंगी तो वो क्या करेंगे इंटरैक्ट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के मैग्नेटिक मोमेंट में, ओके विद विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बी पार्शियली और होली एसोसिएटेड, जिसमें क्या रहेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे किसमें वो न्यूक्लियाई पे। ओके दिस इंटरेक्शन में बी लीड टू द स्प्लिटिंग ऑफ रेजोनेंस सिग्नल इन टू द सेवरल लाइंस, दिस हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। अभी देखो उसकी वजह से क्या होगा, दिस इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा स्प्लिटिंग ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्प्लिट होगा, ये जो एक तो पैरेलल में रहेंगे या एंटी पैरेलल में रहेंगे, तो फिर ये क्या होगा ये
उसका स्प्लिटिंग होगा, दे आर स्प्लिट अप इनटू द स्प्लिटिंग इनटू द रेजोनेंस सिग्नल्स, उसे ही हम क्या करेंगे, उस सेवरल लाइंस को हम क्या करेंगे, कहेंगे हाइपरफाइन स्प्लिटिंग कहेंगे। देखो जैसे इस फिगर में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, एक स्पिन रहेगा और एक एंटी स्पिन रहेगा, एक पैरल स्पिन में और एंटी पैरल में। एम एस इज इक्वल टू माइनस हाफ और एम एस इज इक्वल टू प्लस हाफ। जब प्लस हाफ रहेगा तो उसका भी क्या होगा, इसका भी ये होगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, और वो क्या करेंगे, सिग्नल्स देंगे। देखो यहाँ पे ये कि नीचे जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसके हम वैल्यू निकालेंगे और वैसे ही इसका भी स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। दिस इज द एम वन एंड दिस इज द एम वन माइनस हाफ, ओके। दिस इज नॉट व्हाट द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग, उसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है सच, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि उसमें कैसे स्प्लिटिंग होता है और उसका इंटरेक्शन होने की वजह से जो स्प्लिटिंग होती है वो रेजोनेटिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करती हैं सेवरल लाइन्स में, और उस सेवरल लाइन्स को ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग बोलते हैं। दिस इज वॉट द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज always ask in the examination. Thank you.